और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बागेश्वर सरकार के वायरल लुक की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे जैसे पॉपुलर होते जा रहे हैं वैसे वैसे सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। बाबा को लेकर कई तरह के न्यूज और फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। आज आपको इन्हीं दावों के बीच का सच दिखाएंगे, साथ ही बागेश्वर सरकार का इन दावों पर के बड़े नकटा मुझे मिल जा मसल दूंगा तुझे। और हाँ, हम दावे के साथ बोलते हैं कि हम छतरी बारते हैं व्यासपीठ से, पर बारते उनकी जो राम का नहीं होता है। और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान के बाद उनका कद बढ़ता चला गया। जो जो सनातन का विरोध करेगा, जो कहेगा कि संत पाखंडी होते हैं, ब्राह्मण पाखंडी होते हैं, वो चले आए दरबार में उनकी छतरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता बीते चंद महीनों में अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है। बागेश्वर सरकार को देश भर के अलग अलग हिस्सों से संतों का समर्थन मिला। बाबा के समागम में मुख्यमंत्री पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री आए, नेता मंत्री सांसद सब पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखते ही देखते दुनिया जान गई। बागेश्वर सरकार न्यूज में आने लगे, लेकिन न्यूज के साथ साथ फेक न्यूज के भी बाढ़ सी आ गई और ये लिस्ट लंबी है। एक दावा किया गया कि एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर ये भी दावा सोशल मीडिया पर किया गया कि बाबा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। और कुछ वीडियोस के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि बाबा ने पाकिस्तान में जाकर एक पहलवान को पटक दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग चैनल से ऐसे दावों की भरमार आ गई। तो चलिए एक एक कर इन दावों के पीछे का सच जानते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ बागेश्वर सरकार से मिलने पहुंची थी। YouTube पर हेल्थ मंत्रा नाम के एक चैनल ने इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो को 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस वीडियो में बागेश्वर सरकार लीवर की दिक्कत का निवारण करते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐश्वर्या राय और बाबा की एक भी तस्वीर साथ नहीं दिखी, लिहाजा हमने इस वीडियो की पड़ताल की। जब हमने ऐश्वर्या और आराध्या की पूजा पाठ करते हुए कुछ तस्वीरों को गूगल पर सर्च किया तो एक वीडियो जिसमें ऐश्वर्या और आराध्या दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंची थी, ये वीडियो साल 2019 का है। वायरल वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर देखा गया तो पाया गया कि वायरल वीडियो में इस वीडियो को एडिट करके दिखाया गया है, यानी ऐश्वर्या राय के बागेश्वर धाम पहुंचने का दावा बिल्कुल गलत है। बागेश्वर सरकार को लेकर ऐसे कई दावे सोशल मीडिया पर आए दिन होते रहते हैं। इन दावों को लेकर बाबा का क्या कहना है ये भी सुनिए। बागेश्वर धाम की प्रत्येक जानकारी ऑफिशियल चैनल से ही सत्य माने, अन्य चैनलों की द्वारा दी जाने वाली जानकारी जरूरी नहीं है वो पूर्णतया सत्य हो। भारत के माननीय प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर एडिटिंग करके कुछ शरारती लोग बागेश्वर धाम पर पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इस प्रकार की हेडिंग बनाकर डाल रहे हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह वीडियो पूर्णतया गलत है, यह सत्य नहीं है। जो आता है उसकी जानकारी ऑफिशियल चैनल पर दे दी जाती है। मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने जब ये नारा दिया तब ये सुकुगाहट चलने लगी कि क्या बाबा राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन इस चर्चा को जोर मिल गई जब बागेश्वर धाम में नेताओं का आना जाना होने लगा। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए।
इसके अलावा बाबा के कुछ पुराने वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद साध्वी प्रज्ञा, बीजेपी के सांसद निरहुआ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके दिव्य दरबार में पहुंचे थे। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर बागेश्वर सरकार की कोई राजनीतिक पार्टी है या फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसका जवाब खुद बागेश्वर सरकार ने ही दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेबाक है, यही वजह है कि ऐसे हर दावे का जवाब वो खुद देते हैं। बागेश्वर सरकार के ब्याह की चर्चा भी खूब चली। इतना ही सोशल मीडिया पर तो दुल्हन का नाम भी फाइनल कर दिया गया, बाबा के नाम के साथ एक साध्वी का नाम जोड़ा जाने लगा। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां भी खुद सामने आकर इन दावों और अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। खूब वायरल होती रहती हैं खबरें, खूब बातें होती रहती हैं कि फाइनल हो चुकी हैं बातें, क्या है, क्या उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ्या और झूठ है, ये गलत मिथ्या और झूठ है, और जब भी करेंगे डंका बजा करके करें। बागेश्वर सरकार हर दावे का खंडन करने खुद सामने आते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जैसे जैसे बाबा का कद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बाबा को लेकर फेक न्यूज और झूठे दावे बढ़ते ही जाएंगे। टीम न्यूज नेशन।